के कारण दुनिया की बात सुनते हैं, उसमें हम रम जाते हैं, हैं? किसी का निंदा श्रवण करते हैं, हैं? किसी का अमंगल श्रवण करते हैं, तो ये सुन करके हमारे चित्त विक्षेप हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। किसी ने किसी का निंदा कर दिया, हम जानते नहीं है बात सत्य है कि नहीं, लेकिन मन में हमारे बैठ गया, ये हमारा निंदा किया है, ठीक है इससे बात नहीं करेंगे, हैं? ये हमारे निंदा किया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये श्रवण इंद्रियो अनर्थ का कारण बनता है, वहाँ ऐसा घटना हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ तैसा हो गया, ये श्रवण करके चित्त विक्षेप हो जाता है, कान के द्वारा घुसता है अनर्थ, और आंख के द्वारा घुसता है माया, माने संसार के प्रति जो आकर्षण, ये आंख के द्वारा घुसता है, इसमें मोहित करता है, अच्छा लगता है, धीरे 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 आकर्षित करता है, चित्त वृत्ति को हरण करने में समर्थ है। बिल्ल मंगल बहुत उच्च स्थिति के साधक थे, लेकिन एक पतिता के ऊपर आकृष्ट हो गए हैं, हो करके वो सब भूल गया, हम ब्राह्मण हैं, हम भजन करते हैं, हम शुद्धाचारी हैं, ये सब भुला दिया। रोज जाते थे उस पतिता के पास, उनका पितृ वियोग हो गया तो 10 दिन तो कहीं संयम से रहना चाहिए, बड़े कष्ट से 10 दिन तो संयम से रह करके अपने पितृकर्म किए हैं, लेकिन आखिर में रहा नहीं गया। जब पितृकर्म जिस दिन हो गया उस दिन रात को, और रहा नहीं गया, नहीं हमको अभी जाना है, रात को जाके कृष्ण मिन्ना नदी के किनारे में जा करके, उफान चल रहा था नदी में, उसमें बरसात के समय है, भारी उफान, लेकिन मन नहीं रहा है, अभी हमको जाना पड़ेगा। अबे जाएगा कैसे भाई, ऐसे थोड़ी जाया जाता है, कोई नाव है नहीं, कोई साधन है नहीं, लेकिन मन इतना व्याकुलित हो गया है, बोलते हैं तैर के चले जाएंगे, लेकिन जाना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर ही वियोग हो जाएगा, इतना व्याकुलता आ गई भगवत इच्छा। कहते हैं बिल्ल मंगल रति स्तर के साधक थे, रति स्तर का साधक थे, लेकिन देखो थोड़ा सा भोग के कारण कहीं थोड़ा सा कमी थी, जिस कारण इस तरह से आसक्त हो करके उसको भोगना पड़ा। तैर के जा रहे हैं, जाते जाते एक मुर्दा नदी में, एक मुर्दा मिल गया, वो सोचा है कि कोई लकड़ी है कि कुछ है, चलो इसको पकड़ के चलो, उसको पकड़ के कोई रकम कष्ट से, बड़े कष्ट से कृष्णा नदी पार करके उस पर गए, और उस पर है वो पतिता के मकान, रात मध्य रात्रि है, अब जाएगा कैसे, बाउंड्री वाल है वहाँ तो दर्जा फटक बंद है, कैसे जाएगा, तो दिखते कि रस्सी लटका हुआ है, सोचे हैं ये रस्सी पकड़ के चलो, रस्सी नहीं था वो एक सांप, बड़ा सा एक सर्प था, तो उसको पकड़ करके दीवार टक टपक करके जा करके दर्जा ठक टक रहे हैं, जाके ठक टक रहे हैं, क्या नाम था, चिंतामणि 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 चिंतामणि, दर्जा खोलो सो रही थी, दर्जा खोल के आए हैं, अरे तुम ऐसे कैसे आ गए हो, बोलते हैं ऐसे 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 हो गया, आप मन नहीं हमारा चलता है, क्या करें, अब देखते हैं शरीर से बड़ा भयंकर बदबू आ रहा है, अरे तुम्हारे इतना बदबू कैसे आ रहा है, तुम आए कैसे दीवार टपक करके, नहीं एक रस्सी तुमने लटका के रखे थे, उस रस्सी पकड़ करके हम ऊपर आ गए, अरे कहाँ रस्सी रखे हैं, अरे ऐसे बदबू कैसे तुम्हारे शरीर में आ रहा है, तुम ऐसे तुम्हारे दशा कैसे हो रही है, बोलते हैं एक लकड़ी था उसको पकड़ करके हम आए हैं कोई रंग कष्ट से, चलो देखें जा करके कृष्णा नदी के पास जाके देखते, वो था एक मुर्दा, सड़ा मुर्दा, उस मुर्दी का सब मांस आदि शरीर में लग गया है, उसमें बदबू आ रहा है, भयंकर बदबू, और दिखे एक सांप लटक रहा है, उसको पकड़ के ऊपर उठ गया। तो चिंतामणि जो थी वो मन में तो भगवत भावना थी, देखते हैं ये ब्राह्मण शरीर है, इतना आसक्त चित्त, इसको थोड़ा ठोकर देने से कम इसका तो परम मंगल होगा, हमारा तो मंगल होना संभव नहीं है, हम तो गड्ढे में गिर ही गए हैं, लेकिन इस ब्राह्मण का कोई मंगल होना चाहिए, ये मंगल तो तभी हो सकता है जब जाके इसको ठोकर लगेगा, ऐसे जान करके बड़ा कठोर शब्द प्रयोग किए हैं, तुमको घृणा नहीं आती है, तुम ब्राह्मण ब्राह्मण हो करके ऐसे नीच एक पतिता के ऊपर तुम आसक्त चित्त हो करके तुम इस तरह से तुम आए हो,
जानते हो तुम्हारे जो ये मनोवृत्ति, तुम्हारे जो आसक्ति, ये आसक्ति है, अगर मान लो भगवान में इससे थोड़ा सा भी लग जाता ना, तुम्हारा मंगल हो जाता, तुम ब्राह्मण होने लायक नहीं है, बहुत नीच हो तुम, जाओ यहां से, कभी हमारे पास आना नहीं। अरे हम जिसके लिए सब छोड़ छाड़ के, इतना कष्ट करके, कृष्ण वृन्दा नदी पार करके, इतना आशा लेकर के, इतना उत्कंठा व्याकुलता लेकर के, हम जिसका सान्निध्य प्राप्त के लिए सब छोड़ छाड़ के आए हैं, ऐसे शब्द, ये संसार का प्रेम भाई झूठा है। सही सही, अब मैं ये संसार से कोई नजर ही नहीं उठाऊंगा संसार के प्रति, मन में वैराग्य आ गया। पूर्व जन्म संस्कार है, सोमगिरी से जा करके मंत्र ले लिया, संन्यास ले लिया, जा रहे हैं वृंदावन, भजन करेंगे, संस्कार छोड़ता नहीं है, संस्कार छोड़ता नहीं है। कभी कभी पूर्व जन्मार जी तो ऐसे कठोर संस्कार होता है, कभी कभी बड़े बड़े साधक के चित्त वृत्ति को हरण करने में समर्थ हो जाता है, पलक के लिए भी हो, कभी कभी उसको मोहित करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, सावधान होना, ये मन को कभी विश्वास नहीं करना, ये मन पलक में ना जाने क्या कर सकता है, इस मन से बड़ा बाचे रहना, तुम्हारे मन है लेकिन तुमको ये कब गिरा देगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए इस मन को तुम कभी भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना। जो हमारा मन तो ठीक है, हमारा मन में तो कोई पाप नहीं है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, बोलते नहीं, इसको विश्वास नहीं करना। ऐसे ही हुआ, जा रहे हैं वृंदावन की ओर, सन्यासी पोशाक, एक मैया नहा रही थी, एक बेनिया की पत्नी, और दिखने में वही चिंतामणि जैसे ही थोड़ा सा लग रहा था, और दिखने में बहुत सुंदरी थी। भूल गए जो हम साधु हैं, भूल गए हम वृंदावन जा रहे हैं, भूल गए हम कृष्ण अनुसंधान में जा रहे हैं, देख रहे हैं बहुत समय, फिर पीछे याद आ रहे, हम साधु हैं, सब छोड़ के वृंदावन जा रहे हैं, हमारे नजर अभी भी, नजर में कोई परिवर्तन आया नहीं, ये आंख ही साला सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य के अंदर, जितना ये इंद्रिय जो है ना, सबसे खतरनाक इंद्रिय है आंख, ये आंख ही चित्त वृत्ति को मोहित करके विषय वासना को जागृति करता है, नहीं इसको साजा देना पड़ेगा, इसको हम खत्म करेंगे। वो मैया जा रही थी, उसके पीछे पीछे चल दिए हैं उनके घर, मैया भीतर गए हैं, वो पीछे पीछे आए हैं, उनके पतिदेव धर्मात्मा थे, आए हैं, बाबा क्या चाहिए बोलिए, कोई भी वस्तु हो, सन्यासी आए हैं, साधु आए हैं हमारे घर, जो वस्तु चाहिए हम देने के लिए तैयार है। बोलता है, हम जो चाहेंगे आप देंगे, जरूर देंगे, बोले प्रतिज्ञा करो दोगे, प्रतिज्ञा करते हैं, हमारा सामर्थ्य है तो हम देंगे, बोले हाँ तुम्हारा सामर्थ्य है, बोलो आज रात को आपके पत्नी को हमारे पास भेज देना। होता है ऐसा ही मंजूर है, जानते हैं साधु ऐसा होता नहीं है, ना जाने भगवान कैसे परीक्षा ले रहे हैं, उनके लिए हम घर दे दिया, सब साधन दे दिया रहने के लिए। रात को कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, ये भगवान का ही कोई परीक्षा है, कोई भय नहीं है। तो साज धस के एकदम वो जो मैया उनके पत्नी, साज धस के भीतर प्रवेश किए हैं। तो साधु तो है ही, मन तो साधु जी तो मन तो है ही है, कभी कभी भूल भ्रांति हो जाता है, भूल भ्रांति का माने ये नहीं जी ये भ्रष्ट है, ऐसा कभी समझना नहीं चाहिए। कोई भी साधु कभी भी थोड़ा सा भी गलत कर्म करता है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए ये भ्रष्ट है, ऐसा नहीं, ऐसे भूल हो जाता है। मुनि नांच मति भ्रम, बड़े बड़े मुनि का भूल हो जाता है, भ्रांति हो जाती है, इसलिए ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो वो मैया जब आई है भीतर, उस सज धस के आई है, देख करके एकदम मन ऐसे लगा कि जैसे साक्षात लक्ष्मी देवी आए हैं, देख करके वही चिंता कर रहे हैं, आया हा ऐसे देखने में लक्ष्मी जैसे, अगर साक्षात देवी होती ना जाने वो कितने सुंदर है। बोलते माँ तुम्हारे चरण में एक निवेदन है। बोलते बाबा बताओ। मतलब तुम्हारे जो केस है ना उसमें से दो काटा हमको दे दो, केस में ऐसे काटा करते हैं ना, केस को सजाने के लिए काटा होता है ना, बोलते काटा को हमको दे दो। क्या करोगे बाबा? मैया देव ना,
ये बस और कुछ नहीं चाहिए, तुम दो काटा दे दो। तो मैया ने केश खोल के दो काटा दे दिया। ऐसा देख रहा है, ये आँख, ये एक आँख हमारा दुश्मन, यह हमको भ्रमित किया है, हमको संसार चक्र में फंसाया है, नहीं तो हम संसार में ऐसे नहीं फंसते। हम ब्राह्मण संतान होकर के यह आँख हमको संसार चक्र में फंसाया है, ये सबसे बड़ा दुश्मन बोल करके घुसा दिया आँख में, खून निकलने लगा। अरे मैया तो चिल्लाते चिल्लाते गए हैं पति के पास, देखो 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 तो साधु ने क्या कर दिया है, मैं आया है वो जो उनके पति देव भाग के आए हैं, देखते हैं आँख से खून निकल रहा है, बहुत कोशिश किया है, बहुत पट्टी लगा करके, बाबा अब सो जाओ, कोई चिंता नहीं करना, सुबह जाके वैद्य दिखा देंगे, आप कहीं जाना नहीं, ऐसा नहीं। बहुत घबरा गए हैं उन लोग पति पत्नी, तो घर चले गए। इधर रात के अंधकार में बाज बैकुंठता आ गया, हे ठाकुर जी हमने समाप्त कर दिया, ये माया का जो मूल केंद्र है यहाँ उसका हमने समाप्त कर दिया, आप प्रभु हमको ठोकर मत मारो। लेकिन हम जाएंगे कैसे वृंदावन, हम तो अंधा है, हमको जाना है तुम्हारे पास, कैसे जाएंगे प्रभु हमको ले चलो। तब ठाकुर जी बालक बन करके आए हैं, आके बोलते हैं चलो हम तुमको ले जाएंगे। बोले तुम इतना छोटा बालक है, हाथ में हाथ पकड़ करके देखे छोटा सा बालक, तुम इतना छोटा सा बालक है हमको वृंदावन कैसे ले जाओगे, नहीं हम जानते हैं, तुम चलो तो हमारे साथ। तो हाथ पकड़ते ही उनके भीतर इतना झटका झलक आ गया, एक दिव्य एक अनुभव, समझ गए साधारण बालक तो ऐसा होना संभव नहीं है, इतना छोटा बालक हमको दक्षिण भारत से वृंदावन ले जाएगा, ऐसा संभव थोड़ी है। मन में उसका कह रहे हैं जो ये साधारण बालक नहीं ठाकुर जी है, फट हाथ पकड़ लिया, बता तू हमारे कृष्ण है ना, सही बता, झूठ नहीं बोलना। तो झट हाथ झटका मार के हाथ निकाल दिया, छुड़ा लिया, हाथ छुड़ा लिया। तो कहते हैं देख हाथ छुड़ा के तो जा सकता है, लेकिन मेरे दिल से छोड़ करके इस तरह से चले जा तब समझेंगे तो पुरुष है मर्द है, हमारे दिल से तो चले जाते तो सही, तब बताऊं देखे तेरी पुरुष आकार क्या है। तब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, फिर उनको धीरे 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 वृंदावन लिया। तो देखो एक इंद्रिय इतना प्रबल है ना, कान है, जीवा है, कान से अनर्थ घुसता है, आंख से माया घुसता है, जीवा से बीमार घुसता है, बीमार जितना बीमार का कारण है ना ये जीवा, खाने में संयम नहीं है, जो पाया खा लिया, ये शरीर के लिए ठीक है कि नहीं, ये हमारे भजन में कोई बाधक होगा कि नहीं, ये हमारे शरीर के लिए ठीक है कि नहीं, कोई बीमार होगा कि नहीं, सबके लिए एक साथ शरीर की स्थिति है नहीं, उसके आधार पर उसको सेवन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो जीभा के ऊपर कंट्रोल ना रहने का कारण, ये मुख के ऊपर कंट्रोल ना रहने का कारण बीमार बनता है, जितना बीमार का घर ये जीभा से हमारे मुख से प्रवेश करता है, तो जीभा से मुख से घुसता है बीमार। और तक जो हमारे शरीर है स्पर्श, इससे होता है मोह, स्पर्श जो है ना, स्पर्श सुख के कारण जीव मोहित हो जाता है, सब भूल जाता है, अपने हिताहित सब कुछ भूल जाता है, स्पर्श इतना खतरनाक है। अपना अपना अलग अलग स्पर्श सुख, छोटा बच्चा का स्पर्श एक उसका अलग अनुभव, दोस्तों के साथ साथी में लगना वो अलग अनुभव, ऐसे जो अलग अलग अनुभव है स्पर्श के कारण होता है, स्पर्श से होता है मोह, ऐसे ऐसे एक एक इंद्रिय हमारा विषय को और भाग रहा है, अभी नहीं अनादिकाल से ये विषय में आकृष्ट होकर के हमारे इंद्र वृत्ति भाग रहा है, और हम भक्ति मार्ग को तो जाजन कर रहे हैं लेकिन हमारा नजर नहीं, हमारा मन कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, इसका कारण क्या है, वो बंधन कहाँ है, ये तो पहले अनुसंधान करो। जतेन्द्रिय मनोरबुद्धि मुनिर मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय पूर्ण जा सदा मुक्त एव सा। इस विषय काल आलोचना करेंगे आगे और है।
काल आलोचना करें। जय राधा।